इधर इधर का थोड़ा आगे आप इधर का। जो 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 दरारें आई हैं आपके मकान में जी जी, क्या आपने अधिकारी को सूचना दी थी? सूचना दी थी जी, तकरीबन 11 जनवरी को उनको बोला था जी कि हमारे मकान डैमेज हो चुके हैं जी। उस वक्त नायब साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, हमारे पंच सरपंच वगैरह भी थे। तो अभी तक वो परसों 3-4 दिन में पहले गया था एसडीएम के पास। मैंने बोला सर क्या कार्रवाई की, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमने आपके ऊपर फाइल भेज दी है तो करेंगे। क्या वो फाइल आगे पहुँच चुकी है? अभी नहीं, अभी मेरे ख्याल में इनके दफ्तर में अभी यहीं घूम रही हैं जी, अभी तक फाइल ऊपर नहीं दी है इन्होंने। जब वो अपने फाइल की बात की तो इन्होंने क्या बताया उसमें? तो वो बता रहे बस जी हाँ आपका कोई बात नहीं, मकान डैमेज हो चुके हैं आपके मकान के। हम डैमेज के मकान तो आपका डैमेज हो रहा है, मगर उसमें जिसमें आप फसल लगवाते हो जी, वो भी जमीन पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। हाँ तहस नहस पूरे, मतलब 18 कनाल जो हमारी ज़मीन है एक एक खुम्बे में दरार हो चुकी है हमारी, मतलब यहाँ रहने का दिल नहीं कर रहा जी। आगे प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही हमारे प्रशासन से अपील है सर कि यहाँ पे हमारे मकान डैमेज हो चुके हैं और जो ज़मीन है वो भी डैमेज हो चुकी है, तो हमारे बारे में कुछ सोचें कि हम कहाँ रहें। बाहर जब बारिश होती है तो हमें रहने का यहाँ मतलब आगे पीछे किसी के घर में चले जाते हैं, हमारे यहाँ पर रहते नहीं जी। अब मैं वार्ड नंबर 9 से बिलोंग करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपके, जो ये मीडिया के माध्यम से आप हर बार हमारी बात उठा के आगे लेके जाते हो। पर एक अफसोस से एक बार कहना पड़ता है कि मीडिया की बात को भी ये ना अंदर बिना समझ लो कि नज़रअंदाज कर देते हैं। जितनी बार आज से कोई 50 न्यूज़ें हम लोग आ चुके हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हर तरह की कंप्लेन कर चुके हैं हम, पर उसके बावजूद भी मेरा तो पास में घर है, इसी वार्ड के अंदर आता है और ये जो 3 घर हैं यहाँ पे, ये अंकल जी जहाँ पे इनका ये मकान है उनको रात को सोने के भी नींद चैन से नहीं आती है कि कब मकान हमारे रात को चल पड़ेंगे। और जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पे पूरी विजिट आई उसके बाद इन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमने आपकी फाइल बना देंगे, ये कर देंगे। इन्होंने ज़मीन को नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ मकानों की ही फाइल बनाई, फ़ोटो खींचे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ज़मीन को नहीं देखा।